और जेईई आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया। अभ्यर्थी सरकार के रिजल्ट निकालने की लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और आज भी इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी अपने अभिभावक के साथ सचिवालय के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री से रिजल्ट निकलवाने की उन्होंने गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने कहा कि आज अगर कैबिनेट की बैठक में रिजल्ट निकलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो आज से वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जेईई आईटी अभ्यर्थियों में रोष है और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जेईई आईटी अभ्यर्थी अनशन पर बैठे और उन्होंने कहा कि अगर आज के कैबिनेट बैठक में भी उनके हित में कोई फैसला नहीं आता तो ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है? क्या वो क्राइम करने के लिए परमिशन ले रहे हैं आपसे? जो तो क्राइम करने वाले बंदे थे वो तो आजाद होके घूम रहे और हमारे बच्चे सड़कों पे 4 साल पे दर दर की ठोकरें खा रहे। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ दो, वरना ये ना सोचना कि 4-5 हजार है उसके साथ पूरी फैमिली जोड़ना, रिश्तेदार जोड़ना, जान पहचान जोड़ना, गली मोहल्ला जोड़ना। हम इतनी बड़ी तादाद में हो जाएंगे कि कांग्रेस का फिर नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हमारी मिन्नतें करने की हद बार। हाँ, हमारे दो बच्चों का दोनों का क्लियर हो रखा है। बहुत दुख होता है बच्चों को देख के, दिन रात बच्चों ने मेहनत करके, दिन रात एक करके, हम साक्षी है खुद अपने बच्चों के। नहीं तो नौकरी तो दिल्ली में भी कर सकते थे, क्यों हमने अपनी हिमाचल सरकार में, हिमाचल अपने घर में जाएंगे, अपनी नौकरी वहाँ करेंगे, आराम से रहेंगे। और अभी 4 साल हो गए, 4 सालों में बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। 4 सालों से बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, जबकि इनका हक है अपने दफ्तरों में काम करे, सरकार का सहयोग करे, और ये दर दर की टोकरे खा रहे हैं बच्चे।